नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जिंदगी की भाग दौड़ में व्यस्त युवाओं के लिए कुछ पल सुकून के लिए खोला गया कॉफी कैफे, जिसमें बैठने की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। आने वाली ठंड को देखते हुए खास तौर पर कॉफी का इंतजाम किया गया है। आज कॉफी कैफे का उद्घाटन पूर्व सांसद कुंवर भारतेन ने किया। उन्होंने बताया, युवाओं को अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़कर अपने शहर का, माता पिता का और देश का नाम रोशन करना चाहिए, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह मिलिट्री या स्पोर्ट के क्षेत्र में हो। आज नजीबाबाद में कॉफी कैफे खुलने से युवाओं में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा, नजीबाबाद में एक अच्छे पार्क की अति आवश्यकता है, जिसमें युवा सीनियर सिटीजन व्यायाम कर सके। पार्क में सौंदर्यकरण होना चाहिए, जिसमें युवा सुबह शाम जाकर अपने स्वास्थ्य के प्रति योगा व्यायाम करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। नजीबाबाद स्टेप ग्राउंड पर बोलते हुए उन्होंने कहा, वहां पर एक अच्छा पार्क बन सकता है। नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला के किले का सौंदर्यकरण हो सकता है। भविष्य में वह इन मुद्दों पर कार्य अवश्य करेंगे और युवाओं के लिए जो उचित होगा उस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करने का कार्य करेंगे, जिससे युवाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आए। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने कुंवर भारतेन का स्वागत किया। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता अल्ताफ राजा की रिपोर्ट। सांसद जी, आज नजीबाबाद के अंदर यहाँ पर एक युवाओं के लिए कॉफी कैफे खोला गया है, क्योंकि आने वाला समय तो है ठंड का है, शीत का है, तो उसमें आज आपके द्वारा यहाँ इसका उद्घाटन किया गया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? बहुत अच्छी पहल करी है काशिफ ने। युवा हैं हमारे, नए नए जुड़ रहे हैं अपना काम पहली बार इन्होंने, और एक पहल की, ये कॉफ़ी हाउस नजीबाबाद जैसे शहर में खोला जाए। बड़े शहरों में तो बहुत कॉफ़ी हाउस हैं, लखनऊ, दिल्ली, अपना चंडीगढ़, इनमें तो बहुत चल रहे हैं, तो ये पहल की है और इन्हें बहुत बहुत बधाई और शामदीद की इसे खूब अच्छा चले और बढ़िया चले। और मुझे तो पूरी उम्मीद है, बच्चों को शौक है आजकल, बैठ के थोड़ा एक कप कॉफ़ी पी ली, थोड़ी गपशप लगा ली, थोड़ा पिज्ज़ा का पीस खा लिया, मोमो खा लिए, बर्गर खा लिया, तो अब जैसे जैसे बच्चों का मन हो वैसे वैसे ही काम चलता है। तो आजकल बच्चों का ऐसा ही मन है, तो पूरी बधाई है। एक नई पहल, एक नया कारोबार शुरू हुआ हमारे शहर में, तो बहुत बहुत बधाई। अच्छा, ये से थोड़ा सा हटके, क्योंकि यहाँ पर सारे युवा हैं, युवाओं से संबंधित ये यहाँ पर कॉफ़ी कैफ़े खुला है। नजीबाबाद में एक अच्छा पार्क नहीं है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, आप भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अगर जनता ने आपको चुना भविष्य में, तो क्या नजीबाबाद में युवाओं के लिए कुछ अच्छा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पार्क बनना चाहिए। अब तो बहुत बढ़िया ओपन जिम की मशीनें आ रही हैं, तो वो बनने चाहिए। और ये अपना स्टेप्स ग्राउंड है, GIC के नाम पे है, इसके नाम में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। भाई, हम आपकी ज़मीन बड़ी है, चार दीवारी, उसमें आप सबने मिलकर करवाई दी, उसमें भी मैंने काफ़ी मदद करी थी। मैं तो चाह रहा था उसमें मिनी स्टेडियम बन जाए, मगर मिनी स्टेडियम में जितनी ज़मीन होनी चाहिए उतनी स्टेप्स ग्राउंड पे नहीं है, तो मिनी स्टेडियम ना बन पाए तो एक अपना ओपन जिम सा बन जाए, वो उसमें मशीनें होती हैं, उसमें आप चल सकते हैं, वेट्स वगैरह कर सकते हैं। और तो आगामी 2022 का चुनाव है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लगभग लगभग आप ही को टिकट होगा और आप ही विजय होंगे, और आप अगर मिनिस्टर बनते हैं नजीबाबाद के अंदर, पहले मिनिस्टर बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के, क्या नजीबाबाद के आप पहले निवासी हैं, सहानपुर भी इसी उसमें विधानसभा में आते हैं, तो क्या नजीबाबाद के युवा इतने सारे यहाँ सब लोग खड़े हैं, आपसे क्या उम्मीद रखें? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने जितने भी मैदान हैं उनकी चार दीवारी करेंगे और उन्हें ओपन जिम्स बनाएंगे, ताकि हमारे जितने भी जवान हैं, युवा हैं, वो स्वस्थ रह सकें और शौक से अपना शरीर बना सकें। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।